अस्सलाम वालेकुम। हम जा रहे हैं आज अपने लिए नया फ्रिज देखने, क्योंकि ऑनलाइन हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हमने चेक किया है और अब एक दो जगह जाते हैं, वहाँ जाके चेक करते हैं वहाँ पे क्या क्या किस तरह के फ्रिज हैं, और तभी समझ आएगा कि कौन सा लेना चाहिए। हमारा जो पुराना वाला है वो ख़राब हो गया है, इसलिए हमें अब जल्द से जल्द एक फ्रिज चाहिए। अब देखते हैं, पहली जगह आए हैं, पहला स्टॉप इधर चेक करते हैं क्या क्या मिलता है, उसके बाद फिर दूसरी मार्केट जाके देखेंगे वहाँ पे क्या क्या है। जी का भी खूबसूरत है लेकिन ज़रा सा छोटा लग रहा है। ये भी नॉर्मल सा साइज है, टी फ्रीजर नीचे। लीप हेयर बखैर इससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। इसमें सामान रखेंगे या कमीज़ें इस्त्री करके? मैंने आज तक यूज़ नहीं किया लेकिन मैंने यही सुना है कि जल्दी ख़राब हो जाता है और ज़्यादातर काम भी नहीं आता किसी के। ये जो आइस आप उसके आपने अगर कोई कॉकटेल बनाना है या आपको आइस सिर्फ चाहिए कुछ भी बनाने के लिए, पता नहीं कि ज़रूरी है या नहीं। वैसे इनकी बात कुछ और है, ये जो दो तरफ से खुलते हैं, लेकिन इसका मुझे ये नहीं पसंद आ रहा। आप इसको निकालो, नीचे आप लोगों को सामान रखना पड़ेगा। भाई मुझे तो ये बहुत पसंद आया लेकिन मसला ये कि इसका जो साइज़ है ना वो उतनी जगह हमारे पास नहीं है। और ये सैमसंग का भी बड़ा खूबसूरत है, ये एलजी का है, इसमें स्क्रीन लगी हुई है और सामने से खोलेंगे तो आप इधर छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं, और फिर पूरा खोलने के लिए आपको ऐसे पूरा खुलेगा और
ये भी बड़ा खूबसूरत है सैमसंग का। भाई फ्रिज तो बहुत ज़्यादा थे, वैरायटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब बेहतर यही रहेगा दूसरी मार्केट जाएं, वहाँ पे भी जाके देखें कि उधर किस तरह के हैं, ताकि हमें ज़रा प्राइस भी समझ आ जाए। हैं वैसे बड़े काफ़ी फ्रिज और जल्दी मिल भी जाएंगे, अगर हम चाहें हम आज ही उठा सकते हैं। अब चलते हैं आगे, फिर देखते हैं। अब देखते हैं दूसरी मार्केट में हमें क्या मिलता है और फिर ही कुछ समझ आएगी, टाइम भी कम रह गया है, बंद ना हो जाए। दिखने में तो वाकई बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन अब ये नहीं पता ये कितना अरसा चलेंगे। ज़बरदस्त है फ्रिज, इसमें से वो स्मेल भी आ रही है जो नए फ्रिज की आती है ना जब खोलते हैं पहली दफ़ा पैकिंग। सैमसंग और एलजी को ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, और रह गई बात सीमेंस की, सीमेंस बड़ा है और इनके पास अवेलेबल भी नहीं है, और ज़ाती तौर पे मुझे सैमसंग पसंद आ रहा है। मेरा ख़्याल से वो ट्राई करके देखना चाहिए। वैसे कहा जाता है सैमसंग की वॉशिंग मशीन, सैमसंग का फ्रिज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग ज़्यादा टैबलेट्स वगैरह बनाते हैं। यहाँ के सेल्समैन भी यही कहते हैं कि इनको टैबलेट्स वगैरह ही बनाना चाहिए, स्मार्टफोन टैबलेट्स उसी पर आना चाहिए, और फ्रिज वगैरह और वॉशिंग मशीन नहीं ये बनाए। हो सकता है इनकी बात सही हो, लेकिन अब हम भी क्या कर सकते हैं, हमें जब ऊट पटांग चीज़ पसंद आ जाती है तो आ जाती है, हम उसको लेके ही हटते हैं, बाद में फिर हम रोते भी खुद ही हैं। फ्रिज तो हो गया फाइनल, हम ले रहे हैं सीमेंस का, आगे उसका नाम पता नहीं क्या है, जब आएगा पता चल जाएगा, और एक दो दिन में आ जाएगा। सबसे पहले मैंने ये पूछा कब तक पहुँचाते हो, उनके पास यहाँ स्टोर में है या नहीं, उनके पास यहाँ स्टॉक में है, तो हमारी कोशिश यही थी वो मिल जाए। अच्छा खासा बड़ा चौड़ा फ्रिज है, लेकिन उसका एक ही दरवाज़ा है, साइड बाई साइड वाला हम नहीं ले सके। हमें पसंद बहुत है लेकिन हमारे पास जगह नहीं है, तो अब ये ज़रूरी काम तो आज का हो गया, अब चलते हैं घर।